नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ एसएससी ने फिर से मजाक कर दिया है। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो बच्चे हैं वो रिजल्ट के रिगार्डिंग परेशान थे, उसका इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आज या कल में आने वाला है, लेकिन एसएससी ने फिर एक आपके लिए बैड न्यूज़ दे दी है कि एसएससी ने फिर आपकी जो वैकेंसी वो डिक्रीज कर दी है। तो कितनी क्या वैकेंसी डिक्रीज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। पहले क्या होता था कि जिस दिन वैकेंसी आपकी अपडेट होती थी उस दिन या उसके एक दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैंने भी आपको बताया था, चूंकि जब वैकेंसी आपकी अपडेट हुई थी तो जिस तरीके से एसएससी का ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से मैंने भी आपको बताया था कि जो रिजल्ट है आपका वो आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एसएससी ने फिर वैकेंसी आपकी जो है वो डिक्रीज कर दी। तो कितनी क्या वैकेंसी डिक्रीज हुई आप देख सकते हैं। जो वैकेंसी अब रह गई है वो आपकी कितनी रह गई है, 11,784, जहाँ पे आपकी एमटीएस 18 से 25 एज ग्रुप में जो वैकेंसी है वो 8519 है, और 18 से 27 एज ग्रुप में 2726 वैकेंसी है, उसके 2736 वैकेंसी है, और हवलदार में जो वैकेंसी है वो 529 वैकेंसी। जबकि इससे पहले जब डिक्रीज़ की थी तो वैकेंसी कितनी थी आप देख सकते हैं, 11,788, अब कितनी रह गई है, 11,784, यानी कि 4 वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ की है। और कहाँ पे ये वैकेंसी डिक्रीज़ हुई आप देख सकते हैं, 18 से 27 एज ग्रुप में, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे पहले घटाई थी यहाँ पे बढ़ाई थी, तो अब यहाँ पे जो है 4 वैकेंसी आपकी और कम कर दी हैं। पहले 2740 थी, अब वैकेंसी तो जो हो गई है यहाँ पे 18 से 27 इस ग्रुप में वो 2736 हो गई, यानी कि 4 वैकेंसी इन्होंने और डिक्रीज़ कर दी। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता है कि जब आपको वैकेंसी डिक्रीज़ ही करनी है तो आप जितनी वैकेंसी आपके पास है उतनी वैकेंसी पर आप नोटिफिकेशन निकालो, फिर वैकेंसी डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है। ठीक है, जितनी वैकेंसी आपके पास उतनी ही वैकेंसी आपको निकालनी चाहिए। यूपीएससी वगैरह में तो ऐसा होता नहीं है, जितनी वैकेंसी आती हैं उतनी ही वैकेंसी पे आपका सिलेक्शन होता है, बाद में वैकेंसी डिस्टर्ब आपकी नहीं होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। जब वैकेंसी इन्होंने मतलब पिछली बार जो अपडेट की थी तो ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी अपडेट हुई है, और जिस तरीके से एसएससी का ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से हम लोग भी ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जो रिजल्ट है वो आपका एक या दो दिन में, मतलब इसी दिन या एक दिन बाद आ जाएगा, क्योंकि CHSL के केस में ऐसा ही हुआ था। एक दिन पहले आपकी वैकेंसी अपडेट हुई थी और दूसरे दिन आपका 26 तारीख को वैकेंसी अपडेट हुई और 27 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जबकि नेताजी लोगों का जो रिजल्ट है और जो एग्ज़ाम डेट है उन सबकी डेट क्लियर है, आप देख सकते हो। मैं आपको असेंबली इलेक्शन का दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं राजस्थान में जो चुनाव है वो 23 नवंबर को है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव है। नेताजी का जो चुनाव है वो आपका 30 नवंबर को ओवर हो रहा है और 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि इतनी फास्ट। अगर नेताजी लोगों से इतना वेट कराया जाए कि पहले तो एग्ज़ाम की डेट ना दें, डेट जब डिक्लेयर कर दें तो एग्ज़ाम ना कराएं, मतलब चुनाव ना कराएं, चुनाव करा लें उसके बाद रिजल्ट का वेट कराएं, तो क्या उन पर बीतेगी। लेकिन यहाँ पर स्टैंड से कोई मतलब नहीं है, नेताजी का जो काम है वो सही से चल रहा है। आप देख सकते हैं 30 तारीख को, सोचो कितनी क्लैरिटी इन लोगों के दिमाग में कि 30 तारीख को लास्ट चुनाव है और 3 तारीख को इनका जो रिजल्ट है वो फाइनल आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और हम लोगों का क्या हाल है कि यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं रिजल्ट का कि कब रिजल्ट आएगा, कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। अगर पुराने ट्रेंड के हिसाब से प्रेडिक्शन करें तो भी, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि पुराने ट्रेंड के हिसाब से एसएससी का ये ट्रेंड है कि भाई वैकेंसी अपडेट हुई तो आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। पता चला हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं पुराने ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन एसएससी जो है फिर से डिक्रीज कर रही वैकेंसी, तो रिजल्ट का स्टैंड बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट एसएससी को दे देना चाहिए। अब रिजल्ट कब तक आएगा देखो, क्योंकि एसएससी जो है वो कुछ अलग ही दिशा में काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी फिर से डिक्रीज कर दी है, तो रिजल्ट जो है वो ये उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि आज आपका रिजल्ट आ जाएगा या कल आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये नहीं सोचते हैं कि टीचर जो है वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से बता रहा है, बल्कि वो टीचर को ही मतलब कोसता है स्टूडेंट, बल्कि यहाँ पे टीचर की कोई गलती नहीं है। टीचर तो आपको एक उम्मीद दे रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एसएससी जो है वो फिर से डिक्रीज कर रही है वैकेंसी, तो क्या मतलब है इसका। तो जो बच्चे परेशान हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट के लिए इतना ज़्यादा आप जो है परेशान मत होइए। रिजल्ट ये मान के चलिए कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब
ये वैकेंसी अगर अपडेट हो रही है तो इसका मतलब है रिज़ल्ट ये लोग बहुत जल्द दे देंगे। बस मैं यही कह सकता हूँ कि रिज़ल्ट बहुत जल्द दे देंगे, आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, लेकिन कोई डेट नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके रिगार्डिंग मैं भी आपको वीडियो बना के बताऊँगा। बाकी ये आपके लिए अपडेट है कि आपके जो चार वैकेंसी हैं, SSC ने चार वैकेंसी और कम करके आपको तोहफा दे दिया है, यानी कि चार वो बच्चे जो सेलेक्ट हो सकते थे अब वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।